इंटर क्लासेस और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 3.4। स्टूडेंट्स 3.4 एक्सरसाइज ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने क्या किया सॉल्व किया। नाउ आज की वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करना है बाय इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 देयर आर 3 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है जो क्या है, इफ एक्स रेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर कितना है 12, देन शो दैट डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो हमको ये शो दैट करना है कि हमारा आंसर ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करने इसका डिफरेंशिएशन करने बाद हमारा आंसर ये आना चाहिए। ओके नाउ सी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सॉल्यूशन पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, पहले क्वेश्चन एज इट इज मैंने राइट डाउन कर लिया। ओके अब क्या करें फ्रेंड्स, नाउ सी हम लोग को क्या करना है, अगर ये पावर में है तो पावर में को लॉगरिथम लेना पड़ता है, 3.3 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ का क्या लेंगे लॉग ले लेंगे, लॉग एक्स रेस टू 5 इंटू वाई एक्स रेस टू 7 वाई रेस टू 7, फिर इधर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई 12। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सी ये लॉग जो दोनों को जाएगा तो हमारा आंसर आएगा लॉग एक्स रेस टू 5, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो लॉग क्या हो जाएगा एड हो जाएगा, ठीक है ना, जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है लॉग क्या होता है एड होता है, यहां पर लॉग वाई रेस टू 7 और यहां पर हम लोग देखेंगे 12 लॉग एक्स प्लस वाई रहेगा। क्लियर है, ओके नाउ सी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 5 के पावर में 20 में आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 7 लॉग वाई इज इक्वल टू 12 लॉग एक्स प्लस वाई। ओके यहां से समझाए, अब इसके बाद क्या लगेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लोग क्या बोलेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम लोग दोनों तरफ का क्या करें डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो इसका भी डिफरेंशिएट होगा और इसका भी डिफरेंशिएट होगा। तो डिफरेंशिएट का सिंबल सबको लगा देंगे 5 लॉग एक्स प्लस 7 लॉग वाई। क्लियर, यहां पर डिफरेंशिएट सिंबल लगा दो डी बाई डी एक्स 12 लॉग एक्स प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सी स्टूडेंट्स अभी जो डिफरेंशिएट है ये इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, बारी बारी से दोनों को जाएगा डिफरेंशिएट बिकॉज एडिशन का लॉग है तो अंदर जाएगा। ओके तो ये 5 जो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट कांस्टेंट बाहर आता है लॉग एक्स प्लस 7 बाहर आ गया बिकॉज कांस्टेंट है वो, तो लॉग वाई। यहां तक क्लियर है, ओके यहां पर 12 कांस्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएट होगा इसका किसका लॉग एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएट होगा, इसके अलावा किसी डिफरेंशिएट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स नाउ सी हमको लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है 1/x होता है, तो लोग क्या लिखेंगे 5 इंटू 1/x प्लस 7 इंटू 1/y, बट आपने यहां पर y को डिफरेंशिएट किया है दैट्स व्हाई यहां पर आप लोग dy / dx लिखोगे। ओके इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता के रखा हुआ है पार्ट 1 में 12 इसको क्या करते हैं लॉग x कंसीडर करते हैं, इसको क्या कंसीडर करिए लॉग x, तो हम लोग क्या बोलेंगे 1/x प्लस y, बट दिस इज नॉट लॉग x, तो x प्लस वाई का एक एक्स्ट्रा है तो इसको मैं एक्स्ट्रा बोलता हूं, सो दैट्स व्हाई x प्लस वाई का हम लोग अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, अगर हम लोग बात करें 5 डिवाइड बाय x प्लस 7 डिवाइड बाय y dy / dx, यहां तक समझाया मुझे, और यहां पर आ जाएगा 12 डिवाइड बाय x प्लस y। ओके अब यहां पर अगर डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 1 और y का डिफरेंशिएशन dy / dx। ओके स्टूडेंट्स ना इसके आगे के स्टेप में आगे करता हूं, यहां पर देखो एकदम सिंपल है, क्या हो जाएगा ये तो एज इट इज रहने वाला है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, 5 डिवाइड बाय x प्लस 7 डिवाइड बाय y dy / dx। ओके स्टूडेंट नाउ सी ये 12 अपॉन x प्लस y जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 12 डिवाइड बाय x प्लस y प्लस 12 डिवाइड बाय यहां पर क्या है 12 डिवाइड बाय x प्लस y dy / dx। क्लियर है,
नाउ अब लाइक टर्म जो है, जो लाइक टर्म है लाइक डीवाई बाई डी एक्स, वो दोनों को साथ में लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको उठा के यहां पर लेके जाता हूं। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है? इसको उठा के यहां ले जाता हूं और इसको उठा के यहां पर लाता हूं। तो दैट्स व्हाई 5 डिवाइड बाय x माइनस 12 डिवाइड बाय x प्लस y। क्लियर है? अब ये जो टर्म है उठा के आ जाएगा 12 डिवाइड बाय x प्लस y माइनस 7 डिवाइड बाय y dy बाय dx। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पर समझाया क्या? ओके सी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा यहां पर, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 5x माइनस प्लस 5y माइनस 12 डिवाइड बाय x x प्लस y। क्लियर है यहां तक? चलो यहां पर देखो 12y माइनस 7 के इधर 7x माइनस 7y। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ x प्लस y डिवाइड में क्या रहेगा, y dy बाय dx। क्लियर है यहां तक? चलो तो हम लोग आएगा इधर 5x से इधर माइनस 12 है, तो क्या हो जाएगा 5y डिवाइड माइनस 12 में से 5 जाएगा 7x। क्लियर है यहां तक? तो x ब्रैकेट में आएगा x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी यहां पर क्या है, 12y है यहां पर क्या है 7 है, तो माइनस कर देंगे 5y माइनस 7x डिवाइड बाय x प्लस वाई और यहां पर y dy बाय dx। अब ये dy बाय dx एज इट इज रहेगा, इसको उठा के यहां पर लाओ तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, ये तो अपनी प्लेस पर ही है, 5y माइनस 7x डिवाइड बाय x ब्रैकेट में x प्लस y। अब ये जब यहां पर आएगा तो पलटी होके आएगा, जो प्लस जो डिवीजन है मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवीजन में जाएगा, x प्लस y और यहां पर y डिवाइड में 5y माइनस 7x। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ सी इफ यू सी, तो यहां पर कैंसल कैंसल, x प्लस वाई कैंसल, तो व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज dy बाय dx, dy बाय dx y अपॉन x, ये क्या हो गया ना प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर था यहां तक? चलो टेक ए स्क्रीनशॉट, आई विल राइट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करते हैं। ओके क्या दिया है, लॉग x प्लस वाई ब्रैकेट में लॉग एक्स वाई प्लस ए देन शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। हमारे पास जो फंक्शन है ये दिया हुआ है, हमको सॉल्व शो दैट करना इसको। ओके तो वेरी सिंपल, क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर, सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप कॉपी द क्वेश्चन, लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग यहां पर आएगा एक्स वाई प्लस ए। क्लियर है? अब सुनिए स्टूडेंट्स, जब ये लॉग रहेगा ये लॉग दोनों को चला जाएगा, तो यहां से कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, बिकॉज यहां पर फॉर्मूला होगा जब जो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, तो लॉग क्या हो जाएगा एडिशन में हो जाएगा, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई ये क्लियर हो गया क्या, प्लस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, वी गेट दोनों तरफ क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे और हमारा आंसर आएगा डी बाय डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई एज इट इज लिखा, यहां पर डिफ्रेंशिएशन का सिंबल लगाया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस ए। ओके स्टूडेंट्स, अगर ए का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जीरो ही होने वाला, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट है, प्योर कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर डिफ्रेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर इसको हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, इफ यू कंसिडर दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला लॉग एक्स, तो 1 अपॉन एक्स होता है, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, बट दिस इज नॉट 1 अपॉन एक्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा है ना एक्स प्लस वाई इसका डिफ्रेंशिएशन अलग से होगा, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हम लोग मैच किए थे। यहां पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट इसको दे दो, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डीवाई बाय डीएक्स, यहां तक तो क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इधर देखो 1 हो जाएगा प्लस dy बाय dx, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई dy बाय dx। क्लियर है? ये 1 अपॉन एक्स जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाय dx। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई dy बाय dx। अब हमको क्या करना है, लाइक टर्म जो भी है dy बाय dx इसको एक एक तरफ ले लो, मतलब इसको उठा के यहां ले जाओ और इसको उठा के यहां ले जाओ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स प्लस वाई
dy by dx माइनस वन अपॉन y dy by dx, इसको क्या किया मैंने उठा के आना है माइनस हो गया, एज इट इज वन अपॉन x अपनी प्लेस पर ही रहेगा, ये उठ के यहां जाएगा माइनस वन अपॉन x प्लस y, क्लियर है मेरी बात? ओके स्टूडेंट्स यहां पर अगला स्टेप करते हैं हम लोग, जो क्या हो जाएगा यहां पर dy by dx कॉमन ले लो तो क्या आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि वन अपॉन x प्लस y माइनस वन अपॉन y dy by dx, जब आप लोग dy by dx कॉमन लोगे यहां पर तब, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, x का मल्टीप्लाई इसके साथ वन के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस y, और जब x का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करोगे तो माइनस x, ओके क्लियर है यहां तक, और नीचे क्या आएगा x x प्लस y, अंडरस्टूड? ओके यहां पर वही सेम थिंग्स करेंगे, y यहां पर क्या आएगा x माइनस y, क्लियर है, बिकॉज x प्लस y का मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ करेंगे तो x माइनस y आएगा, डिवाइड बाय y x प्लस y dy by dx, क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ओके यहां पर स्टूडेंट देखो x x क्या हो रहा है कैंसल हो रहा है, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वहां पर, ऊपर बचेगा y डिवाइड बाय x x प्लस y, क्लियर, और यहां पर आप कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, देखो यहां पर कैंसिल करोगे तो y y गया तो माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स वाई एक्स एक्स प्लस वाई, क्लियर है यहां तक? चलो नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, सो दैट्स व्हाई यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज रखना पड़ेगा, ये जो पूरा टर्म है इसको उठाकर बराबर के राइट साइड में ले जाओ, जब बराबर राइट साइड में जाएगा तो पलटी होगी जाएगा, पलटी होगी जाएगा इन द सेंस आपको मालूम y डिवाइड बाय में आएगा माइनस x, तो माइनस यहां पर ऑलरेडी लगा लेते हैं, चाहे माइनस यहां पर लगाओ चाहे यहां पर लगाओ सेम थिंग, ओके तो x प्लस y यहां पर कैंसिल हुआ, x प्लस y यहां पर कैंसिल हुआ, अब फ्रेंड्स y का मल्टीप्लाई y के साथ होगा वाई स्क्वायर, ओके x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा एक्स स्क्वायर माइनस डीवाई बाय डी एक्स, ओके सो दिस इज आवर प्रूफ, ये तो हमको प्रूफ करना था ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे हेंस प्रूफ, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू बहुत इजी था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन और टू आपको समझा होगा, ओके तो देन ई रेस टू एक्स ई रेस प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, देन शो दैट डी वाई बाय डी एक्स माइनस ई रेस टू वाई माइनस एक्स, ये हमको शो दैट करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन करेंगे हम अच्छे से, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, कॉपी किया मैंने, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वी गेट, ओके स्टूडेंट्स जब लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी नो कि यहां पर डीवाई बाय डी एक्स का हमको सिंबल लगाना पड़ेगा और ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई ये ब्रैकेट में जाएगा और डीवाई बाय डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस वाई का हमको ए लिखना पड़ेगा, ठीक है, अब ये जो डीवाई बाय डी एक्स दोनों को जाएगा क्या होगा डी बाय डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ई रेस टू वाई, अब यहां पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स तो इसको कंसिडर करो ई रेस टू एक्स और यू नो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस टू एक्स ही होता है, तो इसको ई रेस टू एक्स कंसिडर करेगी तो आएगा बट दिस इज नॉट ई रेस टू एक्स, तो यहां पर क्या है ये एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा का डेरिवेटिव अलग से होगा, तो लोग क्या बोले डी वाई डी एक्स एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव अलग से होगा, इसको याद रखना, अब यहां पर क्या है स्टूडेंट्स ई रेस टू एक्स है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बट यहां पर ई रेस टू वाई रहेगा डी वाई बाय डी एक्स रहेगा बिकॉज वी आर सॉल्विंग द इम्प्लीसिट फंक्शन, जब भी हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन को सॉल्व करेंगे ओके तो एट दैट टाइम जब भी हम लोग वाई वाले वेरिएबल को सॉल्व करेंगे उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स कंपल्सरी लगाना है, ओके एक्स प्लस वाई और यहां पर स्टूडेंट्स अगर आपको देखो वन प्लस डीवाई बाई डी एक्स आएगा, ओके क्लियर यहां पर मेरी बात, चल अब देखो यहां पर एकदम अच्छे से ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई डीवाई बाई डी एक्स, अब ई रेस टू एक्स जो है वो मल्टीप्लाई कर दो ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई डीवाई बाई डीएक्स, क्लियर है, अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर ई रेस टू एक्स प्लस वाई डीएक्स यहां पर भी ठीक है ना यहां पर और यहां पर लाइक टर्म को एक साथ ले लो तो क्या हो जाएगा देखो ई रेस टू वाई डीवाई बाय डीएक्स
ये चीज यहां पर आएगी माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके क्लियर है यहां पर। अब यहां पर ई रेस टू एक्स प्लस वाई तो एज इट इज है, ये चीज को वहां पर ले जाओ ई रेस टू एक्स। क्लियर है यहां तक। चलो अब स्टूडेंट्स क्या होगा ध्यान देना, अब यहां पर डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन लूंगा तो मेरा आंसर आएगा ई रेस टू वाई, क्या आगे ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ओके ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज एकदम अच्छे से करेंगे। ओके अगर हम लोग स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ई रेस टू एक्स प्लस वाई की प्लेस पर मैं ये लिख सकता हूं क्या? यस एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये दोनों क्या इक्वल में, मतलब इसके प्लेस पर मैं ये लिख सकता हूं। तो कैन आई राइट ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके सो यहां पर समझा मुझे इतना। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि e रेस टू जो x प्लस वाई है इसको भी मैं ये लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा e रेस टू y माइनस e रेस टू x माइनस e रेस टू y। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके डी वाई बाय डी एक्स और यहां पर जो आप लोग e रेस टू x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा e रेस टू y बचेगा, यहां पर e रेस टू y कैंसिल हो जाएगा e रेस टू x बचेगा। सो देयरफॉर माइनस e रेस टू x डी वाई बाय डी एक्स e रेस टू y। क्लियर है यहां तक बात समझोगे यहां तक? ओके अगर आपको यहां ना समझे तो आपको बोल देना गिवन करके। ओके ना गिवन करके बोल दोगे तो आपको समझेगा कि भाई आपने इसको रिप्लेस किया है e रेस टू x प्लस y की प्लेस पर आपने क्या किया है e रेस टू x प्लस e रेस टू y पुट किया है जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। अब मुझे यहां पर dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट आई कैन डू dy बाय dx माइनस e रेस टू y डिवाइड बाय e रेस टू x। क्लियर है यहां तक? बिकॉज ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। ओके अब ये e रेस टू x जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा dy बाय dx माइनस e रेस टू y, अगर हम लोग बात करेंगे तो मल्टीप्लाई में e रेस टू माइनस x, अब दोनों का बेस क्या है सेम है तो हम लोग क्या बोले dy बाय dx माइनस e y माइनस x। देखो सुनो ये आ गया, क्लियर है? जब बेस सेम होता है, ओके ना बेस सेम होता है तो उसका जो पावर रहेगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज यहां माइनस है तो हेंस प्रूफ। ओके ये सेवेंथ और एट में फॉर्मूला उसके हिसाब से आया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा 3.4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इस वीडियो के अंदर सॉल्व किया है और जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसके पहले मैंने वीडियो अपलोड की है आप लोगों को प्लेलिस्ट में, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 3.5 सॉल्व करेंगे। ओके और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।